गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। जब मैं 98 किलोज़ की थी तब ना मेरे पास पैसे थे ना मेरा बजट था कि मैं डाइट की महंगी चीज़ें लेकर आ पाऊँ या फिर मैं वेट लॉस के लिए किसी का भी बैच ज्वाइन कर सकूँ या फिर मैं किसी से कंसल्ट कर सकूँ कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है जिससे मेरा वज़न गिर जाए। बट मेरे पास एक चीज़ पक्की थी कि मेरी विल पावर, कि मुझे तो वेट लॉस करना है कैसे भी करना है। और एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब आपको करना ही होता है। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सेम लेवल चल रहा है और सेम सिचुएशन चल रहा है, जो 100 को टच करने वाले हैं, 98, 97 तक हो जैसे मैं थी, और आपके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है विल पावर कि मुझे तो करना है वेट लॉस। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक लो बजट डाइट प्लान। ये एक ऐसा डाइट है जिसको करने से इजीली आपका वेट लॉस होगा 8 से 10 किलो, प्लस आपको कोई महंगा सामान लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लस आपको किसी को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ रखना, कोई भी आपके आसपास का ऐसा बंदा हो जिसको आप अपना वेट डेली का भेज सको सुबह उठ करना चेक करने के बाद कि ये मेरा डेली का एक वेट अपडेट है, दैट्स ऑल। आपको एक ही ऐसा बंदा चाहिए, चाहे वो आपकी मदर है, फादर है, भैया हैं, भाभी हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड है या फिर कोई टीचर है या फिर कोई भी है, सिर्फ एक बंदा पकड़ो जिसको आप डेली का अपना वेट चेक करके एक जस्ट मैसेज डाल सको और वो आपसे पूछ सके कि आपने क्यों आपका वेट बढ़ा हुआ है या आपका वेट गिर क्यों नहीं रहा है। ये डाइट प्लान बहुत सिंपल है, आपके घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से बना हुआ डाइट चार्ट है, और प्लस इस डाइट को फॉलो करने से आपके बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसीज नहीं आएंगी। अच्छी खासी मैंने दालें ऐड कर रखी हैं जो सबके घर पे मिलती हैं। प्लस इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये डाइट चार्ट शुगर पेशेंट को छोड़कर कोई भी कर सकता है, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये एक बिल्कुल ही सिंपल डाइट चार्ट है, बिल्कुल सिंपल। कोई ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके घर के आसपास की जगहों पे नहीं मिलेगा, और महंगी डाइट बिल्कुल भी नहीं है। सो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं किचन में और बनाते हैं मॉर्निंग ड्रिंक। ओके जी, सो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक की। सो पहला मॉर्निंग ड्रिंक का ऑप्शन है यहाँ पर, एक गिलास लिया हमने गर्म पानी, उसके अंदर हमने डाला है लेमन, एक ने छोड़ दिया हमने यहाँ पर नींबू। सो ये है हमारा फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक, लेमन वाटर। बट अगर आपको नींबू से एलर्जी है, आपको सिट्रस बिल्कुल नहीं चलता, तो दूसरे ऑप्शन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम बात करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक को लेकर, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच जीरा गया यहाँ पर, और जीरा तो हर किसी के घर पे मिलता है और सब्जियों में इस्तेमाल होता ही होता है। उसके अंदर हम डाल देंगे जी हमारा एक गिलास गर्म पानी, और इसको हम पूरी रात सोक करके रखेंगे, सुबह उठ के छान कर इसको पी जाएंगे विदाउट गर्म, क्योंकि मौसम नहीं है गर्म करके पीने वाला ना। सो इसको सिर्फ सुबह उठेंगे, छानेंगे और पी जाएंगे। ओके जी, अब हम अगला ऑप्शन लेकर चलते हैं जी मॉर्निंग ड्रिंक का। ये लिया हमने एक गिलास गर्म पानी, पानी के साथ ये है मेरे पास करी पत्ता और ये है मेरे पास नीम पत्ता। अब हर किसी के पास इन दोनों में से एक ऑप्शन तो मिलेगा, या तो 5 करी पत्ता लेंगे या 5 नीम पत्ता लेंगे और साथ में हम गर्म पानी पियेंगे, सिंपल। नेक्स्ट ये है मेरे पास गर्म पानी, इसके अंदर मैंने डाल दिया है मेरा पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, कुछ पिंच जितना, खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और ये रहा हमारा मॉर्निंग ड्रिंक बिल्कुल रेडी। ये रहे हमारे मॉर्निंग ड्रिंक के ऑप्शंस। वेलकम बैक जी। सो अब हम बात करते हैं नाश्ते की। सुबह उठने के 35 से 40 मिनट के अंदर अंदर आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। सो नाश्ते के लिए क्या बनाना है, चलते हैं किचन में। ओके जी, सो अब हम बनाने जा रहे हैं नाश्ता। नाश्ते के लिए यहाँ पे मेरे को चाहिए बेसन, जो हर किसी के घर पे मिलता है और एक बेसिक चीज़ है जो सबके घर पे होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे डाल रही हूँ मैं गेहूँ का आटा। ओके जी, इसके अंदर हम डालेंगे पिंच ऑफ अजवाइन, ये भी सभी के घर पे मिलता है और एक बेसिक इंग्रेडिएंट है हर किसी के घर का। और अब मैं ये आटा गूंदूंगी, बेसिकली मेरी हेल्पर संजना गूंदेगी क्योंकि मेरे नेल्स हैं। ओके जी, सो ये जो आटा है ये बिल्कुल रेडी है और अब हम बनाएंगे इससे नाश्ता। ओके जी, सो ये रहे हमारा फुल्का।
ओके जी, सो ये रहा हमारा नाश्ता, इसके साथ मिल्क टी एंड कॉफ़ी, अप टू यू। एक चम्मच घी, ऐसे आप दो फुलके ले सकते हो किसी भी सब्जी के साथ, किसी भी सब्जी के साथ। टफ़ी, हाँ जी टफ़ी भी खाएगा अभी। ये है पेठे की सब्ज़ी, ये है घिया की सब्ज़ी। ना जिन जिन लोगों का अब ये रोटी खाने का मन ही नहीं है सुबह का कि भैया हमको तो रोटी नहीं खाने का, अब हम क्या खाएंगे, हम उपमा बनाएंगे। उपमा की रेसिपी ये रही मेरे चैनल पे। हम घी का बेसन का चिल्ला बनाएंगे, ये रहा घी का बेसन का चिल्ला की रेसिपी मेरे चैनल पे। इसके अलावा हम मूंग दाल का चीला का रैप बनाएंगे, ये रहा मेरे चैनल पे। मूंग दाल आई एम श्योर आप सब लोगों के घर पे होगी। अच्छा, उसके अलावा हम मसूर की दाल का चीला का रैप बनाएंगे। इसके अलावा भी ये सारी रेसिपीज़ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपके घर के आसपास कहीं पे ब्रेड मिलती है सो आलू प्याज का हम सैंडविच बनाएंगे। सो ये सारे ऑप्शन है हमारे ब्रेकफास्ट के। सो अब इसके बाद हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। सो मिड ब्रेकफास्ट के लिए क्या लेना है, चलते हैं किचन में। ओके जी, सो अब बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। मिड ब्रेकफास्ट में ये 50 रुपए का आता है मुरमुरा, 250 ग्राम का एक पैकेट आया पूरा ये रहा, एंड ये आई गेस 50 रुपीस का है 200 ग्राम, बहुत ही सस्ता। दूसरी चीज़ है यहाँ पे भुना हुआ चना, सबके पास मिलता है। सीजनल फ्रूट आप ले सकते हो, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन, जो भी सीज़न का फ्रूट हो, जोन सा भी सीज़न का फ्रूट मिले, सेब, बनाना, मैंगो, दस प्लम्स, पीचेस, जामुन, पालसे, जो भी आपको सीजनल फ्रूट मिले, जो चीप आपके बजट में आ रहा हो वो। अगर वो भी आप नहीं खरीद पाओ तो भुना हुआ चना एक मुट्ठी या फिर मुरमुरा एक मुट्ठी। वेलकम बैक जी। सो अब हम बात करते हैं लंच की। सो लंच के अंदर ना मेक श्योर आपकी डाइट के अंदर दाल रहे। दाल को हमने ऐड करना ही करना है इन एनी फॉर्म। दाल घिया का सैलेड, ये रहा रेसिपी मेरे चैनल पे। दाल पेठा का सैलेड, पेठा बहुत सस्ती सब्जी है, घिया बहुत सस्ती सब्जी, आपके घर के आसपास किसी भी रेड़ी वाले से मिल जाएगी, किसी भी लोकल मंडी से मिल जाएगी और बहुत ही सस्ता मिलता है। दाल सबके घर पे मिलती है, सबके घरों में होती है, एक बेसिक चीज़ है हमारे घर की ना। उसके अलावा हम लेंगे दाल सैलेड। दाल सैलेड का रेसिपी ये रहा ग्रीन मूंगे की दाल का सैलेड, उसका भी रेसिपी ये रहा। या फिर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, सो ऐसी सिचुएशन में हम लेंगे मूंग की दाल की खिचड़ी, ये रही उसकी रेसिपी। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं जी मुझे ओकेश भूख है और मैं ये सारी दालें खा के थक चुका हूँ, तब हम लेंगे ब्लैक चना की सैलेड। सो ये रहा ब्लैक चना की सैलेड का रेसिपी। इसमें मैंने सीड्स ऐड करे हैं ब्लैक चना की सैलेड की रेसिपी में। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बॉइल्ड चना लेके प्याज टमाटर और खीरा डाल के भी अपना डाइट कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इवनिंग ड्रिंक की। इवनिंग ड्रिंक में कैसे बनाना है, चलते हैं किचन। चलिए जी, यहाँ पे अब हम बना रहे हैं इवनिंग टी। अब चाय पत्ती बेसिक सबके घर पे होती है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है गरम पानी। इसके अंदर जी मैं डाल रही हूँ मेरा आधा चम्मच जितना चाय पत्ती, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये तो एक बेसिक चीज़ है, सबके घर पे होती है। ये हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक टी। अब इसके अंदर मुझे चाहिए आधा लेमन, ये डाल दिया जी, नींबू, हाँ। और अब इसको हमें ज़्यादा देर तक नहीं रखना, पानी बहुत तेज़ गर्म है, और अब ये हम छान लेंगे। और हमारी जो इवनिंग टी है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके साथ भी आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, मुरमुरा ले सकते हैं, या फिर आप भुना हुआ चना ले सकते हैं। वेलकम बैक जी। इवनिंग ड्रिंक में अगर आपको मुरमुरा नहीं लेना, भुना चना नहीं लेना, तब आप 1-2 खीरे ऐड कर सकते हैं, या 1-2 गाजर आपके घर के आसपास मिलती होगी। हमारा सैलेड भी हो गया और हमारा डाइट भी हो गया। अब हम बात करते हैं डिनर की। नाउ डिनर के अंदर मैं आपको बहुत ही लिक्विड चीज़ें देना चाहूँगी इस डाइट में, और बहुत ही सिंपल चीज़ें जिसका इंग्रेडिएंट आपके घर में हो। सबसे पहले मैं बात करती हूँ टमाटो सूप की। हर किसी के घर में टमाटर मिलते हैं और टमाटो सूप की रेसिपी बहुत सिंपल है, कुछ भी फैंसी आइटम नहीं चाहिए, ये रही रेसिपी, हम इसको बनाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पम्पकिन सूप की, पेठे के सूप। पेठे का सूप बहुत सिंपल है बनाना और सबके घर के आसपास पेठा मिलता है, सो ये रही पेठे के सूप की रेसिपी। नंबर 3, हल्दी वाला दूध। सीज़न चेंज होगा, बारिश होगी, फिर धूप होगा, कोई भी वीकनेस है, या फिर आपको अच्छा कोई श्रद्धा नहीं है कुछ भी खाने का, तब हम लेंगे यहाँ पे हल्दी वाला दूध। नेक्स्ट
यहाँ पे बात करते हैं हम बेसन के शीरे की। बेसन का शीरा बहुत ही सिंपल है बनाना, बहुत ही इजी रेसिपी है और खांसी जुकाम बुखार में और मौसम चेंज होने के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसको मानती हूँ। इसकी हेल्प से आपकी जो इम्यूनिटी भी है जो वो स्ट्रांग होगी। सो बेसन का शीरा। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे, अब इन सारे लिक्विड में से कुछ भी लेने का मन नहीं है जी, मेरे को तो कुछ भी नहीं खाना। होममेड पनीर, घर का 1 किलो का दूध या फिर आधा किलो का दूध आप फाड़ के आप मसाला पनीर बना सकते हैं। ये रही मसाला पनीर की रेसिपी। 50 ग्राम जितना आप मसाला पनीर आप अपना डाइट में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब आपको मन करता है कि नहीं जी मैं तो अंडों से काम चला लूँगा, अंडे आपके घर के आसपास मिलते हैं, 3 से 4 उबले हुए एग वाइट, और उसके साथ अगर आप सैलड कोई भी ऐड करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी टाइप की सैलड ले सकते हैं, खीरे, प्याज, टमाटर और गाजर, सौते किए हुए बीन्स अगर आपके आसपास मिलते हैं तो आप ये ले सकते हैं। नाउ मूव करते हैं नाइट ड्रिंक में। नाइट ड्रिंक कैसे बनानी है चलते हैं किचन में। चलिए जी, यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं नाइट ड्रिंक की। ये लिया मैंने 1 गिलास, इसके अंदर मैंने डाल दिया पिंच ऑफ भुना हुआ जीरे का पाउडर। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 कप गर्म पानी, दैट्स इट। और ये जो शॉट रेडी हुआ है ये है हमारा नाइट ड्रिंक। और आई एम श्योर भुना हुआ जीरा सबके घर पे होता है, नहीं है तो बहुत ईजी है बनाना, जीरा भून के उसका पाउडर करना है, दैट्स इट। वेलकम बैक जी। सो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वेट लॉस करने के लिए ना बजट से ज़्यादा आपकी नीयत होनी चाहिए कि हाँ मुझे तो वेट लॉस करना है। आई एम श्योर ये डाइट आपको बहुत हेल्प करेगा। इस डाइट के साथ 3 से 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देती हूँ। आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज होना चाहिए, आपकी स्लीपिंग पैटर्न मैनेज होना चाहिए, गुस्सा बिल्कुल नहीं करने का इस ड्यूरेशन में जब आप डाइट कर रहे हो, एक्सेस ट्रैवल नहीं करने का, एंड अपने माइंड को शांत रखने का, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, मील्स के टाइमिंग्स का बिल्कुल मैनेज करके चलना, एंड पानी 3.5 से 4 लीटर सिप सिप करके, झटके में नहीं। सो इस डाइट को करने से इजीली यू कैन लूज 8 से 10 किलो और बहुत ही आसान है। आज मैं पोस्ट करने वाली हूँ अपने इंस्टाग्राम में पल्लवी का ट्रांसफॉर्मेशन। 42 और 43 kgs उन्होंने डाउन किया है 8 से 9 महीने के अंदर। एंड ट्रस्ट मी, कोई भी वेट लॉस कर सकता है, कोई भी, आप लोग भी बहुत आसानी से कर सकते हो और बिना किसी हेल्प के। जस्ट रैंडम आप अपनी खुद की बॉडी का टाइप समझो और किसी की हेल्प लिए बिना आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन करो, तब मज़ा ज़्यादा आता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। सो टेक केयर जी, बाय बाय।